हरे कृष्ण फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ये मेरे यूट्यूब के फैंस भी बड़े इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं। ऐसी ही एक मेरी यूट्यूब फैन है, उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके सवाल किया कि गुरुजी, सुना है कि स्वरों को स्थान होता है और आपके ये जो हमारे लिए रियाज करने के वीडियोस आप अपलोड करते हो, क्या ये स्थान समझे बगैर हम इस पे रियाज करें या स्थान समझना ज़रूरी है? बड़ा अच्छा सवाल है। जी हाँ, हर एक स्वर को अपना एक स्थान होता है। वो स्थान यानी उसकी जो परफेक्ट फ्रीक्वेंसी है उसको कहते हैं स्थान। अब मैं कोई पट्टी का सा बजा रहा हूँ तो वो सा से रे जो डिस्टेंस है, तो वो रे का स्थान क्या है, उसको एक अपना स्थान है। सा से लेकर ग जो है, जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो ग को एक अपना स्थान है। सा से लेकर वो म तक, वो म को अपना एक स्थान है, जिसको आम तौर पे लोग कहते हैं ये सुर में गा रहे हैं, बेसुर गा रहे हैं, यानी वो स्थान पे पहुँचे नहीं है। ये इतनी सीधी सी बात है, बेसुर गाना यानि स्थान से भटक जाना। अब इनके ये सवाल से मुझे एक आइडिया मिली है, जिस पर मैं आज से ये वीडियो बनाऊंगा। मेरे ईयर ट्रेनिंग के वीडियोस तो मैं हर रोज़ अपलोड कर ही रहा हूँ, जिसमें मैं बचती हुई साउंड फ्रीक्वेंसी, बचता हुआ स्वर आपसे पूछता हूँ कि ये स्वर कौन सा बज रहा है। आज से ये जो सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, इसमें मैं पहले सा बजाऊंगा और बाद में कोई एक स्वर बजाऊंगा, पैच वन में, पैच टू में और पैच थ्री में। वो तीन पैचेस में से एक पैच पर मैं उस स्वर को बिल्कुल उसके स्थान पर गाऊंगा, यानी सुर में गाऊंगा। बाकी के जो दो पैचेस हैं उनमें मैं उस स्वर को थोड़ा सा बेसुर करूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, वो जो सेकंड स्वर मैं बजा रहा हूँ उसको सुनकर मेरी आवाज़ उसके साथ मैच हुई है या नहीं, ये पहचानना है। अगर मेरी आवाज़ उस बजते हुए स्वर के साथ बिल्कुल मिल गई है, इसका मतलब है वो सही स्थान पर मैं पहुंचा हूं। तो आज से ही स्वर स्थान पहचानने की शुरुआत कीजिए। मैं आपको पूछूंगा ये तीन पैचेस में से सही स्थान कौन से पैच में लगा है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। सही स्वर स्थान पे मैं पहुंचा हूं या नहीं, इस गेम में मैं सा के साथ शुद्ध रे बजाऊंगा और गाऊंगा। आपको पहचानना है वो बजता हुआ शुद्ध रे, उसके साथ मेरी आवाज किस पैच पर सही सही मिल रही है, पैच नंबर एक में या पैच नंबर दो में या पैच नंबर तीन में। तो सुनिए सा और शुद्ध रे के ये तीन पैचेस। पहला पैच, दूसरा पैच, तीसरा पैच, ये तीनों पैच में से किस पैच पर मेरा शुद्ध रे सही सही लगा है? मेरा शुद्ध रे दूसरे पैच पर सही सही लगा है, यानि वो शुद्ध रे का स्थान सही सही है। इस वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे फ़ोन कीजिएगा, मेरे नंबर 8879183901 पर। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।